दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जिनकी आज के समय ऐसी कोई वीडियो नहीं जो यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में न जाए, जो अभी फिलहाल बिग बॉस OTT2 के विनर रह चुके हैं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने देसी हरियाणवी अंदाज से दिल जीत लेने वाले इंडियन कॉमेडियन एल्विस यादव की, जो कि आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों एल्विस आज केवल एक यूट्यूबर ही नहीं बल्कि एक एक्टर और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनको चाहने वाले आज केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एल्विस की लाइफ से जुड़ी ऐसी हर एक चीज के बारे में जो कि इससे पहले आपको नहीं पता होगी, जैसे उनका रियल नेम, बायोग्राफी, लाइफस्टाइल, फैमिली इनकम, कार एंड बाइक कलेक्शन, गर्लफ्रेंड कंट्रोवर्सीज और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड का दम यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप भी एल्विस के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इन्हें कब से जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें एल्विस के रियल नेम की तो इनका रियल नेम सिद्धार्थ यादव है। इनका जन्म 14 सितंबर सन 1991 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। दोस्तों एल्विस में बचपन से ही दूसरों को एंटरटेन करने का एक नेचुरल टैलेंट था और यह टैलेंट आज इनके पैशन में बदल गया, इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं था। दोस्तों बात करें एल्विस के एजुकेशन की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्विस हमेशा से ही अपनी क्लास में टॉप रहे हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग MIT इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम से की। दोस्तों आपको बता दे एल्विस की 12th में काफी अच्छी परसेंटेज थी, इसी को देखते इन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से BCom करने की सोची और फिर इन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली से अपनी डिग्री पूरी करी। बात करें एल्विस के कैरियर की तो जब ये कॉलेज में थे तभी से इन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। एल्विस का कहना है कि इन्होंने आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल और अमित भड़ाना जैसे क्रिएटर से इंस्पायर्ड होकर यूट्यूब स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी सन 2016 में कॉमेडी स्केचेस और फनी वीडियो बनाकर शुरू की है और धीरे धीरे इन्होंने अपना एक फैन बेस बना लिया और ये आज इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स में से एक हैं। दोस्तों एल्विस के पास एक यूनिक स्टाइल और एबिलिटी है जो कि व्यूवर्स को उनसे कनेक्ट करती है और इसी को आप इनकी सक्सेस का एक राज कह सकते हैं। बात करें एल्विस की लाइफस्टाइल की तो इनके पास आज वो सब कुछ है जो कि हर कोई पाना चाहता है। दोस्तों एल्विस का कहना है कि ये अपना ज्यादातर समय अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कॉन्टेंट को देते हैं। यह आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने के साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, इसीलिए ये अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहते हैं। दोस्तों एल्विस अपनी वीडियोस में ऐसे ह्यूमर यूज करते हैं कि जिससे ऑडियंस उनसे आसानी से इंटरेक्ट कर पाए। दोस्तों बात करें इनकी नेचर की तो नेचर से बहुत ही फ्रेंडली और डाउन टू अर्थ हैं। दोस्तों बात करें एल्विस की फैमिली की तो इनका जन्म एक मिडिल क्लास हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम अवतार सिंह यादव है जो कि पेशे से एक लेक्चरर है और इनकी माँ का नाम सुषमा यादव है जो कि घर का काम किया करती है। वहीं बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो एल्विस अभी अनमैरिड हैं। दोस्तों बात करें एल्विस के हाउस की तो गुरुग्राम में अपना एक नया घर बना रहे हैं जिसमें कि इनकी बहुत सारी फैसिलिटीज रहने वाली हैं और इनका कहना है कि वह घर बहुत कॉस्टली रहेगा। दोस्तों बात करें एल्विस के इनकम और नेटवर्थ की तो आपको बता दें एक यूट्यूबर की अर्निंग के कई सोर्सेज होते हैं, जैसे यूट्यूब एड्स, ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप और भी बहुत कुछ। तो इन सभी का मिलाकर ये महीने के करीब 15 लाख कमा लेते हैं और वहीं इनकी नेटवर्थ करीब 30 से 35 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों बात करें एल्विस की एज और फिजिकल अपीयरेंस की तो सन 2023 के हिसाब से इनकी उम्र करीब 32 साल है। इनकी हाइट करीब 5 फुट 11 इंच है और इनका लगभग 65 किलो के आसपास वजन है। वहीं बात करें इनके आई कलर और हेयर कलर की तो वह ब्लैक है। दोस्तों बात करें एल्विस के कार और बाइक कलेक्शन की तो इनके पास बहुत ही एक्सपेंसिव कार और बाइक से इनके कार कलेक्शन में पहली कार आती है, कोई पोर्शे 7 इन बॉक्सर, दूसरी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंड, तीसरी हुंडई वरना और चौथी मारुति वैगनर। दोस्तों ये तो थी इनकी कुछ कार्स, अब बात करते हैं इनकी बाइक कलेक्शन के बारे में। इनके बाइक कलेक्शन में पहली जो बाइक आती है वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और दूसरी KTM ड्यूक 390। दोस्तों बात करें एल्विस की गर्लफ्रेंड की तो इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ वक्त पहले ये कहा जाता था कि इनकी एक टीम मेंबर यूट्यूबर कीर्ति मेहरा के साथ इनका रिलेशनशिप था, लेकिन इस बात का पब्लिकली किसी को कोई एविडेंस नहीं मिला और कीर्ति ने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। दोस्तों बात करें एल्विस के अचीवमेंट्स की तो इन्होंने पैसों के साथ साथ अपनी एक फेस वैल्यू भी बना ली। इन्होंने यूट्यूब पर अपने दोनों ही चैनल्स पर प्ले बटन्स जैसे माइलस्टोन भी अचीव किए हैं
और इनको फेसबुक जैसे कई प्लेटफॉर्म से भी गिफ्ट मिले हैं। दोस्तों, एल्विस ने अपने टैलेंट के दम पर अपनी लाइफ में वह सब कुछ प्राप्त किया है जो कि कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, बात करें एल्विस की लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की, तो आपको बता दें एल्विस हमेशा से ही कई कंट्रोवर्सीज में फंसे हैं, जैसे कभी कभी ध्रुव राठी से और हाल ही में इन्हें गश्ती जंप के लिए भी फांसा गया है। लेकिन एल्विस ने इस चीज की जरा भी परवाह न करते हुए वे हमेशा आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज कुछ हद तक इनके लिए फायदेमंद भी रही जो कि नए नए लोगों से जुड़ने का मौका थी। दोस्तों, बात करें एल्विस के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की, तो इन्होंने सन 2022 में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम इन्होंने एल्विस यादव फाउंडेशन रखा, जहां वे गरीब लोगों की मदद किया करते हैं और ये चीज इन्हें एक अच्छे इंसान होने को भी दर्शाती है। सन 2022 में इन्होंने अपना फंडा नाम से एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी बनाया जहां वे फाइनेंशियल कोर्सेज ऐड करते हैं, और हाल ही में इन्होंने एक क्लोथिंग लाइन पर भी काम किया जहां वे अपने लोगों और डिजाइन के कपड़े सेल किया करते हैं। इनके अलावा एल्विस कई कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसे ओलंपिया ट्रेड, माई 11 सर्किल और एमएक्स टकाटक। दोस्तों, इन सब चीजों से यह पता चलता है कि एल्विस आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, जो कि नए यंगस्टर्स को अपने आप में मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, एल्विस इंडियन एंटरटेनमेंट के लिए आज एक टैलेंटेड राइजिंग स्टार हैं और आने वाले कुछ सालों में ये बहुत कुछ अचीव करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।